सो फाइनली वी हैव कम टू रेलवे म्यूजियम मैसूर का जो है. वी आर ट्राइंग टू कवर दोज प्लेसेस ओवर हियर जो हमने पहले नहीं हमने एक्सप्लोर करी हुई हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले भी एक्सप्लोर की हुई हैं, तो उनके जो लिंक है ना वीडियो के, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी इस वीडियो के नीचे, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो जाके. बिकॉज ये थर्ड या सेकेंड या थर्ड टाइम है हमारा मैसूर विजिट में. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोस्ट ऑफ दोज प्लेसेज विच वी हैव नॉट येट एक्सप्लोर, ताकि वो भी आपको देखने को मिल जाए. तो अभी हम आ गए हैं अब मैसूर के रेलवे म्यूजियम में. सो लेट्स एक्सप्लोर इट. ओके, सो नाउ क्विकली आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस रेलवे म्यूजियम, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू विल गो इनसाइड दिस. सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेलवे म्यूजियम्स आई हैव एवर सीन, एंड पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन डेफिनेटली एंजॉय दिस म्यूजियम. देर आर कपल ऑफ रिटायर्ड स्टीम इंजिन्स एंड यू कैन गो इनसाइड द इंजन एंड टेक अ सेल्फी, एंड इट हैज मेनी डीपी पॉइंट्स. अमेजिंग राइट. देर इज अ बिग टावर टू हैव अ हॉक आई ऑफ द होल म्यूजियम, वहां भी आप जाके एंजॉय कर सकते हो. किड्स विल श्योरली लव द टॉय ट्रेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है स्पेसिफिकली फॉर किड्स. आगे आप व्लॉग में भी देखोगे, बिकॉज हमने टॉय ट्रेन एंजॉय भी की थी, हमने उस पर ट्रैवल भी किया था. सो येस, इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. दे कैन लर्न हाउ इंजिन्स हैव इवॉल्व्ड एंड कैन श्योरली एंजॉय इट. होल एरिया इज कवर्ड विद ग्रास एंड यू विल श्योरली एंजॉय इट डेफिनेटली. 10/10 दूंगी मैं इस म्यूजियम को. दे हैव रेस्टोरेंट एंड शॉप्स टू बाय सम काइंड ऑफ स्टफ रिलेटेड टू ट्रेन्स. इफ यू वांट टू बाय इट, यू कैन डेफिनेटली बाय इट ओवर देयर. इट इज चार्जेबल एंड देयर इज नो क्यू. क्यू बिल्कुल भी नहीं रहती है यहाँ पे. यू कैन एंजॉय एज मच एज यू वॉन्ट. पार्किंग इज पेड. इट स्टार्ट्स एट 10 AM एंड इट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट, राइट? बिकॉज मॉर्निंग में एवरीथिंग इज फ्रेश, यू आर इन अ फ्रेश मूड, फुल ऑफ एनर्जी, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट अराउंड दिस टाइम. इट इज वेल मैनेज्ड एंड इज वेरी क्लीन एंड वन कैन इजिली एंजॉय इट. क्लोज टू 1 hour इज मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपको लगने वाला है. वन शुड श्योरली विजिट इट, यू नो, वेन डेफिनेटली वेन एवर यू विजिट मैसूर. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस. इसकी और डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफकोर्स आपको मिल जाएंगी, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट फ्रॉम देयर. अगर आपको और भी ज्यादा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए, वॉट एल्स यू कैन एक्सप्लोर ओवर हियर, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक विद लोकेशन आई विल लीव इट. अच्छा, अमेजिंग थिंग इज कि यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी क्लिक की हैं. सो पूरे व्लॉग की जहां भी हम गए थे उन सबकी फोटोग्राफ्स अपलोड हो गई हैं फेसबुक पेज पे जो मेरा है. किसी ने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फेसबुक पेज भी मेरा फॉलो कर लो. इट्स रियली अमेजिंग बिकॉज वहां पे भी मैं अलग से अपडेट्स डालती रहती हूँ, अलग अलग सी अदर देन यूट्यूब वीडियोज जो फोटोग्राफ्स वगैरह रहती हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स रहते हैं वो मैं फेसबुक पे अपलोड सबसे पहले करती हूँ जाके. सो नहीं किया है फॉलो, फटाफट से फॉलो कर लो. उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे. चलो अब टॉय ट्रेन एंजॉय करते हैं. Went to Payana Car Museum, which is really an amazing place. On our way back only हमें ये museum देखने को मिला था. But let me tell you, if you are coming from Bengaluru, it's 140 kilometers away. आपको 2 hours minimum लगने वाले हैं इस car museum तक पहुंचने के लिए. It opens somewhere around 9 AM and 50 rupees is the ticket for adults, and for kids it's totally free of cost. It's a wow experience. आपको यहाँ पे मैं ग्लिम्सेस दिखा सकती हूँ, बट एक्चुअली यू विल थैंक मी आफ्टरवर्ड्स अगर आप इस म्यूजियम में जाते हो. एंड इफ यू आर रियली रियली इंटरेस्टेड अबाउट दी हेरिटेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यू विल से वाओ. कमेंट में वाओ करके जरूर जाओगे, थैंक यू करके लिख के जाओगे बाद में. इस वीडियो को जरूर सेव कर लेना एंड
really visit this place once at least. So let's quickly, you know, dive a little bit deeper into the fascinating world of museums, automobiles and their extraordinary collection. So as I told you, this is situated near the cultural heartbeat of Mysuru. Payana stands as a beacon of history, amazing place celebrating the intricate beauty and engineering marvels of vintage automobiles. This museum is more than a collection, you can say. It's an educational journey meticulously crafted to bring the golden age of motoring to life. बहुत ही ज़्यादा एक बिल्कुल olden era में जाने वाली जो बात होती है ना, यहाँ पे आपको वो बिल्कुल feel आने वाला है. You will really feel nostalgic and 80s, 90s से पहले के भी, हम तो उसी era के बच्चे हैं, but उससे पहले के भी जितने models थे यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं. Each car tells a story, each exhibit opens a chapter in the annals of automotive excellence, inviting visitors to explore, learn and to be inspired by the heritage of these timeless classics. So let's enjoy the whole journey. So this was it for today's video and this was the last part of our Ooty Mysuru vlog series. पहले की सीरीज नहीं देखी है तो सबके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे. So I hope you will enjoy all these series वाले videos and we were finally back to Bengaluru, back to workplace. खूब enjoy किया हमने holiday and really refresh होके आ गए. So I hope आपको आज का ये video अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो एक like जरूर करिए. Channel पे अगर नए हैं तो subscribe कर लीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक new video के साथ. Till then, thanks for watching. Bye.